सूरजपुर में कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीनिवास का पोस्ट सामने आया, बधाई हो भूपेश बघेल, आपके सूरजपुर के सच्चे एक कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारकर सच्चे कांग्रेसी होने का सबूत दे दिया है। तो कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्ची को लेकर अब भूपेश बघेल को घिरा गया है, सच्चे कांग्रेसी होने का सबूत दिया गया है। हत्या से जुड़ा यह मामला है, कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे की हत्या से जुड़ा, इसी को लेकर अब घिरा जा रहा है कांग्रेस को, भूपेश बघेल को। बीजेपी ने एक्स पर, सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता हैं गौरीशंकर श्रीनिवास, उनका ये पोस्ट सामने आया है। बधाई हो भूपेश बघेल, आपके सूरजपुर के सच्चे पूत ने जो कारनामा किया है, एक कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारकर सच्चे कांग्रेसी होने का सबूत दे दिया है। तो आरोप कांग्रेस के नेता पर लग रहा है, इसी को लेकर सियासी घमासान अब देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीनिवास, इन्होंने भूपेश बघेल को घेरा है, कांस्टेबल की पत्नी और मासूम की हत्या से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसी को लेकर कांग्रेस के नेता पर आरोप लग रहे हैं, अब इसी के बहाने भूपेश बघेल को घेरा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। आए दिन लूटपाट, हत्या, डकैती, चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता है, कानून का कोई खौफ बदमाशों के बीच नहीं है। जनता से जिस तरह से विश्वास पुलिस जनता के बीच होना चाहिए, वो भी अब कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बड़ी घटना है, इसी को लेकर अब भूपेश बघेल को घेरा जा रहा है। तो सूरजपुर में कांस्टेबल की पत्नी और मासूम की हत्या से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इसमें कांग्रेस के नेता पर हत्या का आरोप लग रहा है। अब इसी को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक कांस्टेबल की पत्नी और मासूम की हत्या से जुड़ी ये खबर। संवाददाता शिवम दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, सूरजपुर में कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे की हत्या से जुड़ा ये मामला है, अब कांग्रेस कटघरे में है, भूपेश बघेल को बीजेपी घेर रही है कि आपके पूत ने हत्या की वारदात को अंजाम देकर सच्चे कांग्रेसी होने का सबूत पेश किया है। जी बिल्कुल, देखिए सोनू, सूरजपुर में एक बड़ी जो हत्या की वारदात है वो सामने आई है, और जो नाम सामने आ रहा है कुलदीप का, जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है, कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे को मारने का ये मामला है। इस मामले में अब जो है राजनीतिक सियासत भी अब तेज हो रही है, और इस चीज को लेकर के बीजेपी नेता है गौरीशंकर श्रीनिवास, उन्होंने बड़ा तीखा तंज हमला जो है कांग्रेस पर किया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए पूरी चीजों को बताया है कि जो आपके पूत हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और इस चीज को लेकर के लगातार निशाना साध रहे हैं बीजेपी के नेता। अगर ट्वीट की बात करूं तो एक्स पर पोस्ट हुआ है, तो बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीनिवास ने पोस्ट करके बधाई देते हुए तंज भरे अंदाज में बधाई दी है कि भूपेश बघेल, आपके सूरजपुर के सच्चे पूत ने एक कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्ची को मौत की घाट उतार दिया है, सच्चे कांग्रेसी होने का जो है सबूत दिया है। इसके साथ साथ जो गौरीशंकर श्रीनिवास है, उन्होंने उनका एक पोस्ट जारी किया है जिसमें कुलदीप साहू एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के नेता बताए जा रहे हैं, और ये पिछले साल का पोस्ट है, साल 2023 अगस्त का, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन था और उनको बधाई देने के लिए कुलदीप साहू ने पोस्ट डाला था, उसमें जो है उन्होंने अपना पोस्ट और अपना पद एनएसयूआई छत्तीसगढ़ से बताया था। इसी चीज को लेकर के आज जो है गौरीशंकर श्रीनिवास ने इस पूरे मामले आने के बाद जो है पोस्ट किया है और भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा किया है। बात करें अगर घटना की, तो घटना बड़ी ही निशंस हत्या मानी जा रही है। सूरजपुर जिले के कोतवाली में पदस्थ था जो आरक्षक तालिब, उसकी पत्नी और बेटी को जो है मौत की घाट उतार दिया। कुलदीप साहू हत्यारे का नाम बताया जा रहा है, आरोपी का नाम कुलदीप साहू बताया जा रहा है, और दोनों की हत्या करने के बाद
उनका जो शव था उसको घर से करीब 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे पर फेंक दिया था आरोपी ने, तो बड़ा एक मामला निकलकर सामने आया। सियासत इस विषय में गर्म हो रही है, कांग्रेस बीजेपी भी एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच जो है गौरीशंकर श्रीवास का एक पोस्ट जो बेहद चर्चा में है, उसमें उन्होंने जो कुलदीप साहू है जो आरोपी है उसे भूपेश बघेल को उसको लेकर के बधाई दी है और सच्चा सपूत कहा है तंज भरे अंदाज में। शिवम, सवाल ये भी कि पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इस हत्या के पीछे क्या कुछ वजह सामने आई, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस कुलदीप पर आरोप लग रहे हैं क्या वो ऑफिशियली कांग्रेस का पदाधिकारी है? आज जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के पोस्ट सामने आ रहे हैं उसमें वो अपना जो पद है वो NSY छत्तीसगढ़ से बताते हुए नजर आ रहा है, जो पिछले साल का कुलदीप साहू ने पोस्ट किया था। और जिस वक्त ये घर हमला हुआ था उस टाइम पे ये बताया जा रहा है कि जो आरक्षक है वो कुलदीप साहू और उनसे वो कुछ नाराजगी चल रही थी, जिसके कारण कुलदीप साहू काफी बिखरा हुआ रहता था, नाराज रहता था, और उसको उसको लेकर के तमाम चीजों को लेकर के इनके बीच में बहस भी हो चुकी थी कई बार। इस चीज को लेकर के अभी ये जो है पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, पूरी घटना की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को भी शक है कि कुलदीप साहू नामक व्यक्ति ने जो अगर बीजेपी की पोस्ट को देखे तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर गौरीशंकर श्रीवास के पोस्ट को देखें तो NSY छत्तीसगढ़ का नेता रहा है और सूरजपुर जिले का ही रहने वाला है, तो उसको लेकर के तमाम चीजें जो है वो अभी स्पष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस ने अभी कोई भी आधिकारिक बयान कांग्रेस के नेता होने का नहीं दिया है। लेकिन जो वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि लगातार ये जो कुलदीप साहू है कोतवाली पुलिस से लगातार नाराज चल रहा था, उनकी कार्रवाई से नाराज चल रहा था, कुलदीप के भाई जो संदीप हैं उनको धक्का दे दिया गया था, जिसके बाद संदीप की गिरफ्तारी हुई थी, और इस विषय से पूरे विषय से कुलदीप जो है नाराज चल रहा था और इस चीज को लेकर के उसकी कई बार जो है शिकायत वहां पर पहुंची थी। वहीं कुलदीप के चाचा के खिलाफ जो है गैर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज है, उनको जीरा बदर की कार्रवाई भी की गई उनके साथ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो अपडेट निकल कर जो सामने आ रहा है वो अब कांग्रेसी नेता से जुड़ने का ये मामला सामने आ रहा है, जिसने वहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसका नाम अब कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है, बीजेपी अब लगातार हमलावर है कांग्रेस के ऊपर भी। बिल्कुल शिवम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद आपका।